लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के अनुपालन में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों ने अपने 640वें दिन से चल रहे आंदोलन व धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। हालांकि इस मामले की सुनवाई लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच में चल रही है। धरना स्थल इको गार्डन में अब तक हुए धरना प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल थे। बेनतीजा धरना स्थगित होने पर अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि ये बेबसी, ये तड़प, ये 640 दिनों का संघर्ष, टूटे सपनों की सिसकी, भविष्य की चिंता लिए अपने घरों को वापस लौटना पड़ रहा है। घर वापस जाते समय अभ्यर्थियों ने कहा, अपने ही ओबीसी समाज के नेताओं की लापरवाही की वजह से हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। हम सभी को उम्मीद थी कि सरकार लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले हमारे हित में कोई फैसला लेगी, लेकिन वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव से लेकर अब लोकसभा चुनाव 2024 तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लगी है। नौकरी पाने से वंचित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल और विजय यादव ने कहा कि इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान मामले का संज्ञान लिया था और विसंगति दूर करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश अधिकारियों को दिया गया था, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के उपरांत 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसे लेकर लगभग 640 दिन से आरक्षित वर्ग के यह अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। लगातार 640 दिन से चले इस आंदोलन की पूरे देश व प्रदेश में चर्चा है। जितनी चर्चा आरक्षित के अभ्यर्थियों की मांग की है, उससे कहीं ज्यादा इन अभ्यर्थियों के द्वारा अनुशासन में रहकर आंदोलन करने की है। कुछ छुटपुट बातों को यदि छोड़ दिया जाए तो इतने लंबे समय तक चलने वाले इस आंदोलन पर कोई गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम देने का कोई आरोप नहीं है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने संयम, सब्र और धैर्य का उदाहरण पेश करते हुए इस आंदोलन का संचालन किया और यही कारण है कि आचार संहिता के पालन में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। धरना व आंदोलन स्थगित करने की घोषणा के दौरान संग्राम सिंह निषाद, अनु पटेल, विजय, वीरेंद्र वीर, यशवंत, अवनीश भोलानाथ, आम्बेडकर, सनी कटियार, ब्रिजभान, धनंजय, अमित कृष्ण आदि लोग इको गार्डन में मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।